सबके हृदय में एक प्रश्न हमेशा उठता है, क्या प्रश्न उठता है कि राधा रानी आखिरकार उनका जब गोलोक जब शुरू हुआ, मान लीजिए हम लोग कहते हैं ना गोलोक में जो है राधा रानी गोलोक में है, और सबसे पहले ब्रह्मा जी बोलते ना ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी बोलते हैं, अगर ब्रह्मा जी ये बोलते हैं कि सर्व कारण कारण अनादि आदिर गोविंदा, यानी आदि के भी आदिर आदि कौन है, भगवान कृष्ण है, यानी सबसे पहले व्यक्ति हैं, तो फिर राधा रानी कैसे आई, राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ, है ना। तो हम ये राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ, हम उस चीज को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो है जन्म के बारे में जानते हैं, उसमें ब्रह्म वैवर्त पुराण क्या बोलता है वो देखते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है आविर्भूव कन्या का आविर्भूव कन्यैका कृष्ण सेवामि पार्श्वतः धावित्वा पुष्प मानिया ददावर्ध्यं प्रभोः पते पदे। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण खंड एक का है, अध्याय पांच में आता है। क्या बताते हैं उनका प्राकट कैसे हुआ, वो जो है श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट होती है। कब प्रकट होती है, जब भगवान कृष्ण भले ही बड़े ही प्रेम भगवान कृष्ण के प्रेम से प्रकट होती है, यानी जब बड़े ही प्रेमाकुल होते हैं, जब उस व्यवस्था देख रहे होते हैं, बहुत अच्छा सेटअप देख रहे होते हैं, तो उनके हृदय में बड़ा प्रेम पैदा होता है, और उस प्रेम से जो है कौन कन्या प्रकट हुई, कन्या प्रकट होती है। जैसे ही प्रकट होती है वो 16 वर्ष की आयु की प्रकट होती है, और क्या सबसे पहला काम काम क्या किया उन्होंने, प्रकट होकर इधर उधर देखना नहीं शुरू किया, अरे मैं कहां आ गई, मैं क्यों आ गई, उनको पता था वो कौन है। जैसे ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए थे जो है गर्भदशा विष्णु के नाभि से, तो कहते हैं अरे मैं कहां आ गया, मैं कौन हूं, मेरा काम क्या है, मेरा मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बड़े कंफ्यूज हैं। लेकिन राधा रानी कंफ्यूज नहीं है, ब्रह्मा जी कंफ्यूज है। ब्रह्मा जी को क्या लग रहा है कि मैं उसको कहते हैं था तो ब्रह्म जिज्ञासा, अपनी जिज्ञासा करने के लिए 1000 वर्ष तक घूमते रहे, लेकिन इधर क्या है, जैसे ही वो कन्या प्रकट होती है वो दौड़ करके सबसे पहले, उनको पता है उनका कर्म क्या है, उनको पता है कि वो भगवान की सेवा आराधना और इन्हीं सब के लिए उनका जन्म हुआ है, इसीलिए वो प्रकट हुई, वो भाग करके फूल लेकर के आती है, भगवान के चरणों को प्रकट में रख देती है। जब भगवान के चरणों में रखती है वो, तो क्या होता है, भगवान मुस्कुराते हैं, राधा रानी मुस्कुराती है, अभी वो कन्या मुस्कुरा, अभी राधा रानी नहीं, अभी वो कन्या मुस्कुराती है, मान के चलिए अभी नाम पढ़ा नहीं ना राधा, कन्या मुस्कुराती है और भगवान से पूछती है मैं कहां बैठूं, मैं कहां विराजूं। तो भगवान ने उनको सबसे सर्वश्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन दिया, कहते हैं आप यहां पर विराजी हैं। और वो सर्वश्रेष्ठ जब बैठ गई तो सिंहासन में बैठ गए, वो नहीं देख रही थी हाँ मुझे बहुत अच्छा सिंहासन मिल गया, वाह जितने लोग मेरे राधा राधा कर रहे हैं, नहीं नहीं वो आई और वो बैठी, और बैठी जब तो जो है वो क्या देख रही है, केवल अपने कृष्ण भगवान के मुख को देख रही है, उसमें बैठ कर कुछ नहीं देख रहे, वो केवल केवल भगवान कृष्ण के मुखारविंद को देख रही है। और जब उनके प्रेम बहुत मुखारविंद को देखते देखते उनके अंदर इतना प्रेम पैदा होता भगवान के लिए कि किशोरी राधा रानी के रोम छिद्रों से ये गोपांगनाएं पैदा होती हैं, सारी जो गोपियां बाकी गोपियां हैं ना जिनको सखियां बोलती हैं, वो राधा रानी के रोम छिद्रों से पैदा होती हैं। और जो है जो जो बिल्कुल राधा रानी जैसे ही उनका रूप है, वेश है, स्वरूप है, लेकिन राधा रानी नहीं है, सारी गोपियां बड़ी खूबसूरत है, कितनी लक्ष कोटि मतलब लाख करोड़ लाखों करोड़ लोगों का जो है गोपियां हैं, गोपिकाएं गोपांगनाएं आती हैं, और वो जो है बिल्कुल सभी की सभी सभी बिल्कुल यौवन, और वो सारी कौन है, लक्ष्मियां हैं जो भगवान की सेवा में लग जाती हैं। वही ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, कहते हैं ना वो कि हजारों हजार लक्ष्मियां चिंता मणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षा वृतेषु सुरभीर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेववामान, है ना, लक्ष्मी सहस्त्र शत हजारों करोड़ हजारों
लाख करोड़ जो है लक्ष्मियां हैं जो उनकी सेवा में लगी हुई हैं, ब्रह्मा जी यही देख रहे हैं।